Since Sakshi has already briefed, we'll be talking about tracing the investment of a deceased person and how will we recover those blocked investments. Specifically, ये जो कोरोना का पीरियड है, lot of family have lost their earning member and they are finding sometime difficult to trace the investment, which is you know practically the story of every home in the country. जहाँ यू नो द अर्निंग मेंबर ही हार्डली शेयर देयर इन्वेस्टमेंट डिटेल इवन विद देयर फैमिली मेंबर. सो यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जनरली द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर लार्जली इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर देयर सेविंग्स, दे इन्वेस्ट राइट फ्रॉम real estates to physical shares, people working in companies, probably their PF gets deducted, insurance and fixed deposits. And of late, the millennials might have come across a typical different asset class, which is called crypto. Now, you know, just before starting the things, you all must be aware this new asset class called Bitcoin. And of late, you must have seen in media that one person, you know, who had invested in crypto. So he's 1800 crore worth of Bitcoin locked away as the person forgot the password. So crypto mein aapko 8 password attempt milta hai. He has already tried 6. Uske 1800 crore rupaye, agar wo do password agar miss kar gaya, so probably nobody in the world will be able to retrieve his 18 crore worth of Bitcoin. Now, if you forget the password to crypto, as I was saying, nobody will be able to retrieve it. So this is one example. कि अगर आप एक password भूल जाते हैं, so you know the loss one can expect is immense. So अगर कोई जो family में कमाई करने वाला है, वो अपने investment की जानकारी अगर अपने परिवार को नहीं देता है, तो उनके परिवार को कितनी प्रॉब्लम आती है, वन कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल एग्जांपल. सो हिंदी में कहावत है, भूल गया तो सब गया. सो दैट एग्जैक्टली अप्लाई टू एवरीवन. यू नो वी इन्वेस्ट, बट अगर अपन भूल गए या हम अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी परिवार को नहीं दिए, तो परिवार को उनको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. सो हियर द कंसर्न और द टॉपिक कम्स ट्रेसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. उसके बाद आपको उसको ट्रेस ही करना पड़ेगा. सो बिफोर वी मूव यू नो वन क्वेश्चन वी शुड आस्क टू एवरीबडी दैट आर वी कॉम्प्लेसेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर वेल्थ. हम अगर अपने आप को ये क्वेश्चन पूछें कि क्या हमारी फैमिली को हमारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो प्रोबेबली आई एम वन ऑफ दोज वेयर यू नो माई फैमिली माइट नॉट बी अवेयर अबाउट 100% डिटेल ऑफ माई इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? ना हम इतना मेहनत करते हैं, इतने अपने इन्वेस्टमेंट वी सेव ऑल आर इन्वेस्टमेंट, बट इफ आर फैमिली इज नॉट अवेयर अबाउट दोज इन्वेस्टमेंट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ. यू नो अगर उनको नहीं बताएंगे तो प्रोबेबली इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी यू नो उनको दर दर की ठोकर खाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. एंड COVID-19 हैज गिवन अस फूड फॉर थॉट. लाइफ इज अनसर्टेन, यू नो टाइम के साथ साथ ओल्ड एज एलिमेंट्स भी होते रहते हैं. नेचुरल कैलमिटीज, हमने गुजरात में लातूर और इस्लामाबाद की नेचुरल कैलमिटी देखी थी, जिसमें अर्थक्वेक में 2 मिनट में 15,000 फैमिली हैव लॉस्ट देयर लाइफ. एंड द क्लासिक एग्जाम्पल इज COVID-19, वेयर यू नो इट वॉज अ सडन एंड द वर्ल्ड हैज नॉट सीन द वर्स्ट पेंडेमिक देन दिस COVID-19. So with that, we all agree that life is uncertain. So what is more important with that, we should take this particular lesson or take this pledge that aap jo bhi investment karte hain, somebody in the family should be 100% aware about the investment detail. Usme options kya ho sakta hai, either you maintain your investment detail in your home, or there are a lot of digital repositories or digital wallet companies, including the one which Share Samadhan is also offering in the name of Wealth Samadhan card, where you can briefly maintain your investment detail in an online encrypted version.
सो दैट कल को कंटिजेंसी होती है, घर में भी आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो कभी कभी घर में भी यू आर प्रोन टू लूजिंग दोज इन्वेस्टमेंट पेपर्स, कभी आग लग जाती है, कभी डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं, तो घर के अलावा भी आपको एक ऐसी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखना जरूरी है सो दैट इन केस ऑफ कंटिजेंसी आप वहाँ से निकाल पाते हैं. दैट्स पॉइंट नंबर वन टू बी लर्न. सेकेंड, अपनी फैमिली के अलावा आपका कोई क्लोज कॉन्फिडेंट, भले वो आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है, उसको भी आपकी इन्वेस्टमेंट की कुछ जानकारी उनको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर घर के अर्निंग मेंबर के साथ साथ पूरे परिवार को कुछ हो जाए सो देयर हैज टू बी समबडी हु विल एंश्योर कि हमारी कमाई हुई संपत्ति हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को या हमारे बच्चों को इजीली मिल सके. सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दैट फॉर गॉड फॉरबिड यू नो हम अपने इन्वेस्टमेंट अपने परिवार को नहीं बता पाए या कोई भी अर्निंग मेंबर है जो अपने परिवार को नहीं बता पाए एंड सडनली इफ ही और शी सकम टू डेथ देन व्हाट आर द वेज एंड मींस दैट द फैमिली शुड कीप इन माइंड टू आइडेंटिफाई कि उस डिसीज ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं. सो मनी ट्रायल हम उनको कैसे ट्रेस करेंगे. सो फर्स्ट यू शुड लुक फॉर विल. अगर कोई फैमिली का फाइनेंशियल प्लानर है या लॉयर है तो अगर किसी फैमिली में विल बनी हुई है सो ही शुड बी एबल टू टेल यू कि अगर विल बनी हुई है तो ही शुड बी द फर्स्ट कनेक्टिंग पॉइंट. इसके अलावा गेट एक्सेस टू ऑल द पासपोर्ट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड यू कैन एक्सेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिसीज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लाइक शेयर्स, पीएफ, इंश्योरेंस. आप आधार और पैन कार्ड के बेसिस पे आप उनको ट्रेस कर पाएंगे. थर्ड यू नो टैक्स फाइलिंग पेपर्स, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, चेक बुक्स हो गए. सो टैक्स फाइलिंग पेपर यू नो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल यू नो हु आर फाइलिंग द हु आर हेल्पिंग the client to file income tax return. So the family should approach that respective professionals so that he can look after all the filings papers to identify where all those investments were there. Bank statement is also an indicator. Agar aapke paas deceased ki koi bhi agar information nahi hai to aapko bank statement or checkbook se bhi kai informations aapko pata chal sakte hain. Bank statement mein aap डेबिट और क्रेडिट्स में, अगर डेबिट्स में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, किसी को कोई चीज़ का पेमेंट किया हुआ है, सो दोज कैन बी इजीली ट्रेस्ड अपॉन. होम ओनरशिप पेपर, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द फैमिली दे हैव द ओनरशिप पेपर अगर घर पे है. सो यू नो टेक हेल्प ऑफ एनी रियल इस्टेट ब्रोकर हु माइट हेल्प यू टू एंश्योर कि आपके जो ओनरशिप के पेपर है उसका कम ईजिली आपका उनका म्यूटेशन हो पाए. रीचिंग आउट टू क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, अगर डिसीज होते हैं तो फर्स्ट थिंग वी शुड एंश्योर जो क्लोज फ्रेंड है उस डिसीज के, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म देम. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी क्या पता अपने परिवार को बताए नहीं बताए, बट उनके जो क्लोज प्रोफेशनल पार्टनर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट की कुछ जानकारी हो सकती है. सो उनसे भी आपको उन इन्वेस्टमेंट का कुछ क्लू मिल सकता है. इसके अलावा बैंक लॉकर में आपको जिस बैंकों में बैंक अकाउंट है, प्रोबेबली अगर तीन चार बैंक है तो उस बैंक में अगर आपको बैंक लॉकर पता भी नहीं है, सो वन कैन राइट टू ऑल दोज बैंकर्स सेइंग दैट वी आर द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड एंड इफ यू नो द डिसीज्ड हैज एनी बैंक लॉकर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ दोज बैंक लॉकर. इसके अलावा ब्रोकर्स अकाउंट, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट सो प्रोबेबली वन कैन रीच आउट टू दोज शेयर ब्रोकर्स. और आजकल NSDL तो हर इन्वेस्टर्स के ईमेल आईडी में रेगुलर बेसिस में उनके इन्वेस्टमेंट के डिटेल मेल करती है. सो दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि किस किस ब्रोकर्स के वहाँ डिसीज के बैंक स्टेटमेंट्स हैं. ऑफिस ड्रॉअर, अगर आप खुद का ऑफिस है डिसीज का, सो ऑफिस ड्रॉअर्स को आप निग्लेक्ट ना करें.
वहाँ कई ऐसे पेपर्स हो सकते हैं नोविंगली और अनोविंगली वहाँ पढ़े हो, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट क्लू अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स और मनी बीइंग डिप्लॉयड बाय द बिजनेस पर्सन. इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जनरली अगर फैमिली के ट्रस्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर्स है दे वुड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इफ एनी पॉलिसीज हैज बीन टेकन बाय द डिसीज्ड पर्सन. अगर पॉलिसी की डिटेल आपके पास अगर अवेलेबल है भी नहीं तो भी आप रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट्स में जाके डिसीज्ड का पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर या डेट ऑफ बर्थ आप इंसर्ट करें तो अवेलेबल जो भी पॉलिसी चल रही है उन पॉलिसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. हाउ टू डील विथ अनइनवाइटेड क्रिएटर्स, ये प्रकृति का नियम है कि जब सडनली फैमिली में किसी अर्निंग मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो अर्निंग मेंबर्स ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी को लोन दिया है, किसी के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी दी है, तो वो तो आएंगे या नहीं आएंगे उसकी तो कोई गारंटी होती नहीं है. बट देयर मे बी लॉट ऑफ क्रेडिटर्स यू नो हु माइट स्टार्ट चेजिंग दैट यू नो द डिसीज्ड पर्सन हैज यू नो टेकन सम लोन और मनी फ्रॉम अस, सो दे वुड स्टार्ट यू नो नॉकिंग द डोर ऑफ द फैमिली. सो उस स्टेज में अगर कोई भी इस सिचुएशन का एडवांटेज ले, भले वो जेन्युइन क्रिएटर्स है या नहीं हमें पता नहीं है, सो यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर. यू मे प्लीज टेल टू दोज क्रिएटर्स कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, कोई प्रूफ है, कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, सो प्रोबेबली आप उसको दिखाइए. डिस्कस दोज डिटेल विथ योर ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज और CMA. And let them verify the authenticity of the creators. उसके पहले आप कोई भी किसी प्रकार का unwarranted कोई pressure हो तो उसको हमें coolly handle करना चाहिए rather than just losing the temper. इसके अलावा you know some of the quick you know brief about how to recover those investment. You know, this particular you know slide will give you a perspective. आज के दिन में इस कंट्री में कम से कम 4 लाख करोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो या तो फिजिकल पेपर में पड़े हुए हैं या फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किए हैं बट परिवार को पता नहीं है. आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. अभी 2-3 साल पहले हमारे एक किसी एसोसिएट ने हमें रांची से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में किसी एक फादर ने 1970s में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, शेयर्स में भी किए थे, इंश्योरेंस में भी किए थे. फादर हैड ओनली 1 डॉटर, डॉटर की शादी हो गई एंड अभी 3 साल पहले फादर एक्सपायर्ड. अब बेटी जब अपने घर गई तो सी गॉट सम पेपर्स, सी कनेक्टेड विथ अस थ्रू वन ऑफ आवर बिजनेस पार्टनर एंड यू विल बी सरप्राइज. पापा के वो जो छोटे से जो इन्वेस्टमेंट थे 1970s के, वी कुड रिकवर 6.5 करोड़ रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली. छोटे छोटे जो शेयर्स थे वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गए. 38 लाख का हमने उनका डिविडेंड भी निकाल के दिया. अब सडनली कुछ महीने पहले उन्होंने अप्रोच किया कि उनके फादर ने कुछ बैंक के लॉकर में भी इन्वेस्ट किए थे. तो छोटे छोटे ऐसे जो पेपर्स होते हैं, यू शुड नॉट जस्ट प्रूव दोज पेपर्स. वो पेपर्स अगर पुराने जमाने के पेपर्स है, डिसीज्ड ने किए हुए हो, तो उन पेपर को आप कंप्लीटली इवेल्युएट करवाएं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हेल्प लें. And over a period of time, वो investment कभी कभी ऐसा हो सकता है कि that may turn out to be a golden goose for the family of the survivor. Reason unclaimed investments के apart from family not sharing the investment detail, कई reasons से होते हैं कि आप addresses change करते रहते हैं. Address कभी भी change करते हैं तो you should ensure कि आप address हमेशा update करवा लें. You know, family में obviously अपने investment के बारे में अपने family को बताएं. और कई बार होते हैं कि जो यू नो NRIs होते हैं वो इंडिया से जब मूव करते हैं दे आर नॉट बॉदर्ड टू इवन क्लेम दोज स्मॉल इन्वेस्टमेंट. सो इन रीजन से ये इन्वेस्टमेंट यू नो अनक्लेम्ड रहते हैं. एंड अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट काफ़ी क्लियर है. अब ऐसे ऐसे रेगुलेशंस आए हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट फैमिली के अगर क्लेम नहीं करेंगे तो कुछ एक पीरियड के बाद वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे. एंड गवर्नमेंट ने जैसे PF के लिए
इंश्योरेंस के लिए, बैंक अकाउंट के लिए उन्होंने क्लियर कट एक रेगुलेशंस लेके आया है कि अगर 10 साल तक आप अगर उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम नहीं करोगे तो उसके बाद वो गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर फंड में चले जाएंगे, उस फंड से अगर आप 15 साल तक क्लेम नहीं किए सो देन दैट इन्वेस्टमेंट विल गो टू अ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड एंड उसके बाद आप उसको कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भी आपके जान पहचान के किसी की फैमिली में ऐसी कोई आकस्मिक घटना से यू नो इफ दे लूज देयर फैमिली मेंबर, सो बीइंग अ प्रोफेशनल यू नो आई एम अज्यूमिंग कनेक्टिंग professionals is a platform for a lot of professionals across country. So being a professional, it's our duty to intimate to those families so that they can retrieve those investment with less hassles. Otherwise, you know, us family ko dar-dar ke thokar khani padti hai. You know, when I lost my brother, it took me first 3 years to retrieve first to identify his investment and then to retrieve his investment. So उस family को you know ये एक particular chart है जो आपको एक perspective देता है कि regulators में कहाँ कहाँ उनको धक्के खाने पड़ते हैं। काफी PF के office के लिए अगर अलग formalities होती है, bank से आपको inoperative bank account से निकालने के लिए अलग अलग formalities होती है, क्योंकि country में ऐसे कोई single platform नहीं है कि जहाँ investment तो डिसीज के इन्वेस्टमेंट एक जगह है और वहां से आप रिट्रीव कर पाते हैं, तो काफी प्रॉब्लम होती है। बट यू नो कनेक्टिंग प्रोफेशनल के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, लार्जली दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, सो यू नो इट इज आर ड्यूटी टू गिव बैक टू सोसाइटीज और टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर अर्निंग मेंबर व्हाटएवर हेल्प वी कैन ऑफर। So how to retrieve a wealth, a quick snapshot. Agar us deceased family ke koi bhi physical papers hai, so you can advise them to first get in touch with the company secretary of that particular company and write them that they lost the family member. So the company secretary will tell you the formalities, ki aapko kya kya formality karni hai. Kuch ek companies, you know, shareholders ke members, कि जो शेयरहोल्डर्स की रजिस्टर्स होते हैं दैट दे आउटसोर्स इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, सो यू कैन राइट टू आरटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज टू अप्रोच टू द बैंक मैनेजर ऑफ दैट रेस्पेक्टिव ब्रांच, ही विल डेफिनेटली हेल्प टू गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अगर डिसीज्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होती है तो वन कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ दोज बैंक्स। सो आरबीआई हैज मैंडेटेड ऑल द बैंक्स इन द कंट्री टू मैंडेटरी डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ अनक्लेम्ड और इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स, सो वन कैन गो टू दोज रेस्पेक्टिव बैंक्स ऑल्सो। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वी शुड टेल टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन, दे शुड इमीडिएटली कनेक्ट विद द एचआर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी, द एचआर द कंपनी विल डेफिनेटली हेल्प द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। अगर एचआर से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू रीजनल पीएफ ऑफिस विद द हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल। हियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टेल टू ऑल द व्यूअर्स दैट अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसका पीएफ डिडक्ट होता है एंड इफ गॉड फॉरबिड इफ ही लूज हिज लाइफ देन इट्स आवर ड्यूटी टू टेल टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन दैट अपार्ट फ्रॉम पीएफ देयर इज एन ईडीएलआई व्हिच इज कॉल्ड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। सो उसकी फैमिली को गवर्नमेंट विल गिव अप टू 7 लाख रुपीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस। सो इसमें पीएफ अकाउंट होल्डर को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता नहीं है, it is being contributed by the employer, but it is our duty to tell to the family so that they can claim EDLI also. Some of the important website, agar kisi bhi region se company ho gayi ya banks ho gaye, agar wo aapko assist nahi karte hain, aapke family ko assist nahi karte hain, so one can can file a complaint against those companies. There are a lot of websites called watch out investors, किसी कंपनी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि उस कंपनी के अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं है, तो वी कैन गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। सेबी हैज अ वेबसाइट कॉल्ड स्कोर,
if the company is not supporting to the family, we can file a claim in SCORE also. And since we all are professional, so let's pledge to do a little bit from our side. We being a professional, you know, this is our first duty to console the family of deceased person. Because we professional, being a chartered accountant, company secretary, lawyer, we are, you know, obviously we are at a fiduciary relationship. So whenever we come to know about this unprecedented news from your client that somebody lost their life, so it is our duty to reach out to the family. You know, don't wait for the family to reach out to us. You know, it is our duty to first reach out to that family to console. That should be the priority. You know, make a close group of friends immediately, you know, so that you can take the following action immediately. Reaching out to the company where deceased used to work. You know, immediately हमें inform करना चाहिए जिस company में वो deceased काम करता था, so that their HR is being informed immediately. From our side, we should immediately connect with insurance and financial advisors. You know, close friends को पता रहता है, अगर family को पता नहीं है, so we should immediately connect with the insurance advisor of that deceased person, so that जो claim intimations की formalities है, अगर term insurance policy ले रखा है, उसको claim करने की बात होती है, so that financial advisor can do immediately on priority. Ensure immediate liquidity to the family if it is not possible, so that immediately, you know, 10-15 din ya 1 mahina us family ko, whomsoever has lost their family member, you know, it's practically, you know, they do not know what to do. So we should ensure that, you know, they are being taken care with utmost with a close confidence, so that kal ko unko ye problem nahi ho. Aur uske baad jo tracing of investment hai, that's a process, wo thoda time lagta hai, but immediately ye hamare end pe hum log kar sakte hain. So if the professional is in practice or business, then we should ensure, or the close group of friends should ensure, that we should reach out to the partner to ensure the financial protection to that particular family. And we at Share Samadhan, we are always available. Since my partner Abhayji has said that in this COVID period, we as an organization has taken a pledge to offer free phone consultancy to all the family across country. You know, we would not be charging anything to give any kind of advisory they would be requiring as an immediate cushion to the family. That is something which we feel that we should do in this tough time. So with that, thank you so much for your time. If you have any query, we will be happy to have those queries. Thank you, sir. Thank you so much for the great knowledge you provided. I hope Share Samadhan is helping people and will continue to do so in this pandemic time, especially where the people have lost their family members and they have no info about their investments. So I also request everyone to please take the services of Share Samadhan to know about the investments of their family members, and also refer this webinar for the great information the speakers have provided us. Now let us take up some of the queries. Tushar, can you see if there are some queries? Yeah, so I have one question. So is there any way like we can trace all the insurances and the shares with the CDSL and NDSL and IDSL? So is there any way that we can trace, like if we don't know about where are the insurances, where are the like shares, so we can directly trace from them? Like, is there any way? So Tushar, there is no straightforward mechanism to trace. But yes, in bits and parts it is available. As you said, that CDSL and NSDL aaj ke din mein KMSK through wo mandatory bhi ho gaya hai, so KYCs of at least the current generations are updated with CDSL and NSDL, so monthly basis pe wo statement aata hai. So you can tell to the family of the deceased person ki aapka jo bhi email ID hai, you know, us email ID mein aap agar access loge, at least shares, mutual fund ka investment will be easily available. That's point number one. Point number two, insurance detail, if it is not available with
the insurance advisors. So one can try and visit to all insurance companies. You know, thankfully India mein bahut jyada insurance company hai nahi, but though we have to do it little manually, but one can reach out to the respective website of those insurance company and give necessary information of that deceased person or any person with their name, their PAN number or Aadhaar card number to get the detail ki us deceased ka koi particular insurance policy us insurance company se hai ki nahi. And sir, what all necessary documents should be provided? Like, agar main kisi share broker ko approach karta hun, like ki kisi main family member ke shares hai, ya phir insurance company ko approach karta hun, ya mutual funds ke approach karta hun. So, what documents I need to provide to them? So, there are any lists or something? See, yeah. So, Tushar, sabse pehle agar shares ke liye agar aap reach out karoge, to agar aapko share broker ka pata hai ki family ka suppose they have an account with Motilal Oswal. So at least आपको ये पता है कि हाँ उसका अकाउंट मोतीलाल ओसवाल का है, then you can reach out to the to share broker. You have to write it in black and white. They might not be entertaining over email, क्योंकि you know it's a fiduciary relationship. काफी critical information होती है. So one can write to that share broker first, establishing the authenticity that the person who is writing to that share broker is the legal heir. So one can furnish the death certificate that okay, I am the legal heir, my XYZ suddenly expired, we feel that they have an account with you, since we do not have any particular information, request you to please provide the necessary information if they have their account with you. So I'm sure the particular stockbroker or insurance company will come back to the family by providing those necessary information. Sir, in this case, if we have details about the PAN card and the Aadhaar number, then that will be quite helpful if we provide those to the share broker. Yeah, I think Sakshi, that is really helpful. But you know, Aadhaar card or PAN card, abhi kuch saalon mein hi aaye. See, PAN card also bhi 10-15 saalon ka affair hai, 20 saalon ka affair hai. Uske pehle Aadhaar aur PAN card bhi hota nahi tha. So there, you know, it becomes relatively little difficult, but still. You know, वहां भी ट्रेसिंग होती है. उस केस में द नेम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, हिज और हर फादर्स नेम एंड देयर प्रोबेबल एड्रेस, अगर ये तीन इंफॉर्मेशन है, सो विद दोज इंफॉर्मेशन आल्सो वन कैन सर्च देयर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, दैट्स ग्रेट. सर, जो फिजिकल शेयर्स जैसे हमारे पास होते हैं, सो फिजिकल शेयर्स के लिए व्हाट अप्रोच वी कैन फॉलो सो दैट वी कैन रिकवर एज सून एज पॉसिबल. सो तुषार, फिजिकल शेयर्स में रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होगी, और स्पेसिफिकली इन अ सिनेरियो व्हेन द पर्सन हु डिड इन्वेस्टमेंट इफ ही एक्सपायर्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ द पर्सन इज एक्सपायर्ड एंड द फैमिली इज होल्डिंग फिजिकल शेयर्स, सो उसमें भी दो बेसिकली तरीके होते हैं. अगर फिजिकल शेयर्स की वैल्यू 2 लाख से कम है, देन द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल. Then you have to reach out to the companies and you have to prove that you are the legal heir. You have to produce that certificate and the company will tell you the formalities to convert those physical shares into demat. But if the value of physical shares is more than 2 lakh rupees, then you have to necessarily furnish succession certificate. And that is a long drawn process. See, the process of succession certificate, you have to approach the respective district court with the help of a lawyer. Once you get the succession certificate, then you have to apply to the company with those succession certificate to transfer those physical shares into demat. Is case mein agar physical shares IPF mein transfer nahi hua hai, you know, there was a regulation, if the dividend remain unclaimed for 7 years, then government came out with the regulations ki dividend ke sath sath शेयर्स भी गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. सो इफ द शेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन को ट्रांसफर इनटू आईपीएफ, देन इट बिकम्स अ रिलेटिवली लॉन्गर प्रोसेस. सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू हैव टू गेट इन टच विद आईपीएफ, यू हैव टू फिल द आईपीएफ फॉर्म दैट द कंपनी वुड वेरीफाई, कंपनी विल फाइल द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एंड उसके बाद डायरेक्टली द शेयर्स विल गेट ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड in a demat form.
But process is relatively Tushar time consuming. So the family should be aware about the complete process, or you know, take a professional help to retrieve those investments. And as you said about the liabilities, like if there is any borrowings from the bank and that is unsecured, so what bank can take the action against, like you know, like against the family? So Tushar, secured loan ho ya unsecured loan ho, the legal heir will not be absolved from any future liability. अगर deceased expire हो गया है तो उसके legal heir की liability exist करती है, unless and until the person who took an unsecured loan, he took a insurance. आज के दिन में ना काफी innovative products भी आ गए हैं, one can take an insurance also. कल को borrower को अगर कुछ हो जाता है और family के ऊपर suddenly liability you know sustain नहीं कर सके, so with the help of insurance one can be protected. But otherwise you know वो liability exist करेगी तुषार, the family has to pay that liability. So we have a question from Sanjit Chopra ji. Can the wife and daughters of deceased use funds available in deceased bank account if they are aware of the net banking details or debit card details? See, legally cannot, but you know, I would not comment on this particular things. You know, there are always advantages of having a net banking, so one can do whatever they want. But legally, if there is a nominee in that particular bank account, first the right to take the entire money lying in the bank account would rest with the nominee, and after the nominee gets that money, the nominee is under compulsion to distribute it to all the legal heir. So nominee does not mean that he or she will take the entire money. Nominee is just acting as a caretaker of the entire money. So if they are having a net banking, so I think they are the best person to understand to take a call. Okay. And there is one more question. In case of death of proprietor who is registered under composition scheme in GST, what is the procedure to be followed with respect to GST compliances? So the moment you know sole proprietorship expire, the legal heir has to apply for a new GST number, you know, and the pending input credit will get transferred to the new registrant, so they have to apply for a new GST number also. Okay. One more question is, how can one connect with Share Samadhan as a partner? I'm working. The person says that he is working at Firozabad, UP, and his son is a chartered accountant. Yes, so we will be happy to welcome you as our business partner, and either they can approach connecting professionals. Where already you know 600 professionals are there, and we will be happy to have them as our business partner. So while I'm talking to you at this point of time, we have already 1,000 business partner in more than 110 cities. Most of them are professionals like chartered accountant, company secretary, lawyers, and share brokers. Because you being a professional, you know, you are at a fiduciary relationship with your client. If something happens to the client's family, 2-3 persons would come to know immediately. One, the professionals, the chartered accountant, the company secretary, as client ke. Second will be a share broker. Third will be lawyer. Or fourth will be insurance advisors. So, you know, if we get associated with those professionals, you know, so you can at least ensure that the family need not roam around from pillar to post. We as an organization, we will be happy to ensure that whatever compliances are required, whatever formalities are required to help the family of deceased person to retrieve all the investment of deceased person in an hassle-free manner, we will be happy to serve those family through you, since you become our business partner.
So we have one more question. Is there any way from where the unclaimed investment available with insurance company and others can share the information? No, as I told earlier, the unclaimed investment with insurance company is not publicly available information. But yes, if the deceased person's family have the information of the deceased, his name, father's name, mobile number, date of birth, PAN card and Aadhaar card number, with those information, one can reach out to those respective insurance companies. And they're under compulsions to share those information with the deceased person's family. Sir, in these cases, do we require the death certificate of the person? Yes. Sometimes the company would ask, because Sakshi, since you are a professional, you know, this is very critical thing. अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपके क्लाइंट का परिवार अगर आपके पास सडनली आता है जिससे आप मिले हुए नहीं हो, तो आपको बोलता है कि नहीं, हमको उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए. सो फ्रॉम योर साइड ऑल्सो यू वुड लाइक टू बी डबली श्योर कि उनके जो लीगल हेयर है, आर दे एक्चुअली क्लेमेंट और नॉट. सो द सेम थिंग अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनीज और शेयर ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑल्सो. दे वुड लाइक टू एनश्योर जो लीगल एयर है, दे आर जेन्यून पर्सन. अदरवाइज यू नो काफी फ्रॉड एलिमेंट्स हो जाएंगे. वो फिर तो मिस्टर एक्स की इन्फॉर्मेशन मिस्टर वाई भी ले लेगा, मिस्टर वाई की इन्फॉर्मेशन जेड ले लेगा. सो आई थिंक इट्स अ गुड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव टू आस्क द डेथ सर्टिफिकेट आल्सो इफ दे वांट टू आस्क. सर, कैन वी यूज ब्लॉकचेन? या सॉरी, लाइक सम ऑफ माय क्लाइंट ही कम्स टू मी एंड आई एम वेरी फैमिलियर टू देयर फैमिली. I know that this is the legal heir of the deceased person and they don't have the death certificate of the person. So can the insurance company or the listed company, they can work on my behalf or on my surety? Yeah. So death certificate is must in claiming the most of the investment in the country. That is the must. Okay. Right. So my question is regarding, like, we can use blockchain technology in tracing all this detail, like public key and private key. So Tushar, blockchain is a relatively far new concept, long way to go in terms of using this technology. India mein abhi to 5% log abhi online technology use nahi karte. So, but yes, with the help of blockchain technology, चीजें काफी इजी हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेसिंग द इन्वेस्टमेंट. रिकंसिलिएशंस भी काफी इजी हो जाएंगे. बट लॉन्ग वे टू गो फॉर कंट्री लाइक इंडिया टू यूज ब्लॉकचेन. विकास जी, एक डाउट ये है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं डिसीज पर्सन के, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स को ये नहीं पता रहता है कि हम जो भी पर्सन है, अर्निंग मेंबर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है, LIC ली है या इंश्योरेंस है, तो किस कंपनी से लिया है. तो जो आपने बताया कि अगर हमारे पास पैन कार्ड, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो हम उस कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए. बट कहीं कैन देयर बी एनी सेंट्रलाइज डेटाबेस जहाँ पे हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके उनका पूरी डिटेल्स हमें मिल जाएगी, हम which company they have taken the insurance or investment has been done. Because many times it happens ki family member don't know the company name itself ki which company they have done the insurance policies. Then it is very difficult because you can't, the person can't keep on running behind each and every insurance company ki, okay, please you give, if you have, you have, like that. So unfortunately, Rishabh ji, what you said should be there. बट आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली कंट्री में ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है नहीं. एंड दैट इज द रीजन, यू नो, एज आई वॉज टेलिंग, व्हेन आई लॉस्ट माई ब्रदर एंड इन वेरी यंग एज, आई हैड एक्चुअली अ टफ टाइम टू फर्स्ट आइडेंटिफाई हिज इन्वेस्टमेंट. आई हैड टू प्रैक्टिकली रोम अराउंड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. सारे बैंक अकाउंट को विजिट करना पड़ा, सारे इंश्योरेंस कंपनी को विजिट करना पड़ा. And that was the genesis of this shared samadhan, sare samadhan. But yes, I think government is contemplating ki dheere dheere in cheezon ko kaise centralize kiya jaye. Shares mutual fund ka NSDL aur CDSL ke through KIMS mein aapka data aane lag gaya. There is a concept called account aggregator which is also going on.
सो फ्यूचर इज ब्राइट प्रोफेसर जी, बट हिस्टोरिकली जो कुछ हो गया है वो शायद अभी तो मैनुअल ही करना पड़ेगा. कैन वी एज मीन्स कैन वी गो विथ सम काइंड ऑफ प्रपोजल आइदर विथ द हेल्प ऑफ शेयर समाधान और by way of independent means you know the group of people to government to advise them ki okay this can be also be a, because in this pandemic of corona many people have lost their earning member, their dear ones, and they are not in that mental state itself to run from pillar to post. Now only they have lost their family members and then again running to pillar to post. That is quite Herculean task for the people. No, I think your thought is well appreciated, Rishabh ji. Wish, you know, obviously government should think through this particular line. क्योंकि हम लोग पेपर में तो हमेशा पढ़ते हैं कि आज 4000 लोग मर गए, आज 5000 लोग मर गए. For us, it's a news. But you know, go and ask to the family who lost their earning member. No, उनकी तो जिंदगी 360 डिग्री घूम जाती है. So, last 2 months we have seen last 2 months when we were working as a volunteer and trying to help the people. That time we have seen that means so many people have lost their family. No, Rishabh ji, I think very very concerning topic and well point. You know, whatever we as an organization, agar aapko lagta hai we can represent. We will be happy to represent, but somewhere or other government is thinking in this particular line. But what is more important, aaj ye corona aaya, second phase hai, third phase bhi aayega, fourth bhi aayega, pata nahi hai. So the lesson to be learned from this corona, Rishabh ji, as I was telling, ye apne family ki investment apne ghar mein rakhna is also not 360 degree protection of your wealth. हर हस्बैंड को इंश्योर करना है कि उसकी वाइफ को इन्वेस्टमेंट की जानकारी पता रहे, हर वाइफ को भी ये इंश्योर करना है कि उसके स्पाउस को वो इन्वेस्टमेंट बताए, बट इसके अलावा एक ऐसी जगह उसकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना है जो घर पे नहीं है. सो लाइक इन शेयर समाधान वी हैव अ डिजिटल वॉलेट कॉल्ड वेल्थ समाधान कार्ड. सो वी विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट रिसर्च जी टू ऑफर दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कनेक्टिंग प्रोफेशनल, सो दैट जब घर से शुरुआत करेंगे तब आप अपने क्लाइंटों को बता पाएंगे. सो हमने जो डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है रिसर्च जी, वो सिंपल वॉलेट है. अगर इफ यू हैव टाइम प्रोबेबली आई कैन जस्ट शो यू हाउ दिस वॉलेट वर्क्स, सो दैट फॉर द यू नो बेटरमेंट ऑफ योर मेंबर्स यू वुड बी एबल टू कम टू नो हाउ दिस दिस वॉलेट वर्क्स. सो आई जस्ट क्विकली यू नो शो यू. सो शेयर समाधान हैज डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर वॉलेट. ये कुछ वॉलेट नहीं है, यू कैन सी द स्क्रीन रिसर्च जी. No, not as of now. It will be the great help for the our viewers also to understand. So, can you see this my laptop screen? Is it not visible? Yes. Screen is visible now. Yeah. Yes. So, in this Share Samadhan, we have this Wealth Samadhan. So, Wealth Samadhan is nothing but a digital repository system to maintain your brief detail of your investment. इसमें आप कोई ज्यादा हाई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मत मेंटेन करिए, बट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सो दैट कल को फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो सो दे कैन रीच आउट टू अस. सो व्हाट आई डू, आई विल जस्ट लॉग इन विथ माय यूजर आईडी एंड आई विल शो यू हाउ दिस वॉलेट वर्क्स. सो दिस इज माय डिजिटल वॉलेट. सो डिजिटल वॉलेट मतलब एक आपकी डायरी है. सो सपोज दिस इज माय डिजिटल डायरी. तो इस डायरी में फर्स्ट पेज में दिस इज माय इंफॉर्मेशन, my name, my mobile number, my father's name. So I'm not putting my Aadhaar card or PAN card number, which might be misused. ये इसमें जो भी information डाल रहे हैं that is low confidential information. इसमें एक digital diary बनी हुई है. This is a simple page. इस page में मेरे जो भी investment है उसका अलग अलग block बने हुए हैं. आप देखिए PF है, insurance है, saving है, postal savings है, आपका mutual fund है, आपने किसी company में partnership कर रखी है, सब कुछ है. इसके अलावा एक के लाइफ में कोई भी दूसरे इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकते. तो इसमें हमने मेंटेन क्या किया है, सपोज आई शो यू माय डिजिटल डायरी कैसे मैंने मेंटेन किया है, जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है,
बट एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि कल को किसी भी कंटिंजेंसी में इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरा परिवार मेरे सारे इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता है. सपोज पीएफ सेगमेंट ना, पीएफ में यू नो बिफोर आई स्टार्टेड शेयर समाधान आई हैव वर्क्ड इन 3 कंपनीज जहां मेरा पीएफ था. हर कंपनी में पीएफ डिडक्ट होता, बट उन तीनों कंपनी के पीएफ को मैंने क्या लिख रखा है, आई हैव विड्रॉन ऑल पीएफ फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर सच एज सीएट इवैल्यूएशन एंड कार्नेशन ऑटो. उन तीनों कंपनी में मेरे पीएफ थे बट मैंने सारे पीएफ विड्रॉ कर लिए. तो इसका मतलब मेरी फैमिली शुड नॉट वरी अबाउट पीएफ अगर कभी कोई कंटिजेंसी होती है. नहीं तो क्या कि वो उनको 10 साल तो पहले ये आइडेंटिफाई करने में लगेंगे कि इन कंपनियों में मेरा पीएफ है या नहीं. बट मैंने जब लिख दिया कि इसमें पीएफ है ही नहीं है सो दे नीड नॉट बॉदर अबाउट. ना इंश्योरेंस में मैंने क्या किया है, सिंपल लिखा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एगॉन रेनिगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैंने ऑनलाइन लिया. सो ऋषभ जी आंसरिंग योर पॉइंट, मैंने अपनी इस डिजिटल डायरी में मैंने अगर ये सिंपल लिखा है कि मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी एगॉन रेनिगे लाइफ से ऑनलाइन खरीदी है, तो अगर मैं अपनी पॉलिसी नंबर इसमें नहीं भी लिखूं तब भी ये इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर कंपनी लाइक शेयर समाधान टू हेल्प दैट फैमिली टू गेट द एंटायर क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. अगर हमारे पास अगर इंश्योरेंस के पॉलिसी नंबर नहीं है तो भी, तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ना, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी मैंने आईसीआईसीआई प्रू से ऑनलाइन ले रखी है, मैंने इतनी सी इंफॉर्मेशन इसमें लिख रखी है. अब अगर सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो आप बोलेंगे कि यार मैं इसमें बैंक अकाउंट नंबर लिख दूं तो कल को प्रॉब्लम हो जाए, तो हमने बैंक अकाउंट नंबर लिखा ही नहीं है. हमने लिखा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट एट साउथ एक्स प्राट 2 ब्रांच न्यू दिल्ली. मैंने सिंपल बैंक का नाम लिखा है और ब्रांच लिखा है, मैंने कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा है. बट कल को जरूरत पड़ेगी तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है. बट मैं अगर अपने फैमिली के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन भी अगर कहीं नहीं लिखूं तो आप बताओ ऋषभ जी मेरी फैमिली के लिए कैसे पॉसिबल होगा टू आइडेंटिफाई कि विकास जैन इन इन कंपनियों में डायरेक्टर है, शेयर समाधान में डायरेक्टर है, इसमें पार्टनर है. कैसे पता चलेगा अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है, उनको कैसे पता चलेगा अनलेस एंड अंटिल मैं नहीं बताऊं तो. तो इस डिजिटल वॉलेट में हमने बहुत छोटा सा एक डिजिटल डायरी बना रखी है. ये डायरी का एक्सेस मेरे अलावा ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, शेयर समाधान के पास भी नहीं है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली एनक्रिप्टेड. इसका ब्यूटी क्या है, इस वॉलेट को बनाने के बाद मैंने दो फैमिली मेंबर का मैंने यहाँ डिटेल दे रखा है. ये मेरा वाइफ का नाम है, वाइफ का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और एक क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव जो मेरे साथ नहीं रहता एक ही छत में. कल को देखो सब्सक्राइबर की हस्बैंड वाइफ को कुछ हो जाए तो ब्रह्मांड में कैसे पता चलेगा उनके बच्चों को कि उनके फादर की वेल्थ क्या थी. तो इस केस में मैंने क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव पारस जैन मेरा छोटा भाई है जो हांगकांग रहता है, उसका मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया. तो ये दो डिटेल दे दिए. सो ये डिटेल देने के बाद सब्सक्राइबर इज फ्री, ही कैन अपडेट दिस इंफॉर्मेशन. ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ये मैं 365 डेज अपडेट कर सकता हूँ, कभी भी अपडेट कर सकता हूँ. तो कल को कंटिंजेंसी में अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली वी प्रोवाइड 2 फिजिकल कार्ड, वो कार्ड लेके वो शेयर समाधान के पास आ सकती है. शेयर समाधान पूरा इवेल्युएट करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा कि वो उनके लीगल हेयर है. वो होने के बाद द सिस्टम वुड जनरेट ए न्यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड विल मेल ईदर टू खुशबू जैन या पारस जैन, ये जो दो ईमेल आईडी है उनके अकाउंट में नया यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा. बिकॉज वी एज ए कंपनी वी कैन नॉट एक्सेस दिस पर्टिकुलर डिटेल. ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है वो ही एक्सेस कर सकता है और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है. तो इससे क्या हुआ ऋषभ जी, आई एम कंप्लीटली टेंशन फ्री. यू नो कोरोना हैज टॉट अ मिलियन डॉलर क्वेश्चंस टू अस, मिलियन डॉलर. आज है शाम को किसी को कुछ हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है. तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, क्लॉक डे आउट, हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं. हम भी चाहते हैं कि वी विल हैव अ ड्रीम होम, बट इतना कुछ करने के बाद आप लोग लगता नहीं है कि अपन को ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे जो संपत्ति है उसका भी प्रोटेक्शन हो, कल को कुछ हो जाए तो
तो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को वो वेल्थ आइडेंटिफाई करने में तकलीफ नहीं हो और वो वेल्थ इजीली ट्रांसफर हो जाए. सो दैट इज वेयर यू नो आर कंपनी यू नो कम इनटू द पिक्चर. हमने भी ये हार्ड वे ऑफ लाइफ सीखा है तुषार जी बेसिकली, क्योंकि व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर आई हैड अ टफ टाइम टू आइडेंटिफाई हिज इन्वेस्टमेंट एंड देन टू रिट्रीव दोज इन्वेस्टमेंट. So with that, you know, this particular facility is something जो हम हर किसी को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि सोचते तो हम लोग सब कुछ है but you know seriously कभी भी सोचते नहीं है. So with that, you know, I think that would take care of your future issues which a family might think through. Sir, as a layman, मतलब I'm not known to share समाधान, तो I can create this digital diary. Yes, yes. You can create a digital. Nahin, you are saying this digital diary facility is being provided by Share Samadhan. Yes. So you can come to our website and can subscribe to this digital diary, because once you are subscriber, you have other facility also. आपको timely reminder दिया जाएगा. You know, आपको priority services मिलेगी. आपकी family को priority services मिलेगी. So those are advantage of having this digital diary. From Share Samadhan. इसके अलावा आप अगर दूसरी जगह रख लो, that is your choice. But what is more important, Sakshi, it is not about maintaining your digital diary. What is more important, कल को कुछ हो जाए तो family को कोई उसको निकाल दे अच्छी तरह से. That is also very important. So there, you know, company like Share Samadhan will not only offer digital diary, but also offer the family to retrieve their investment in case of contingency. So both the services. Thank you, sir. So we have a query from CA Kanika Girl. She says that if a deceased person has taken LIC when he was unmarried and whose nomination is not updated after marriage, what can be done in that case? So if the nomination was not updated, that does not mean किसका को मिलेगा नहीं. Then Hindu Succession Act के अनुसार जो भी लीगल हेयर होते हैं उनको मिलेगा. सो वी हैव टू अप्लाई ऑब्वियसली विद दैट सर्टिफिकेट. जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है वो आप प्रोड्यूस करें कंपनी में एंड द लीगल हेयर विल गेट द क्लेम. ओके, तुषार और ऋषभ सर, डू वी हैव एनीथिंग एल्स? नॉट फ्रॉम माय साइड ऋषभ. No, no further queries from our viewers. And I'm really, on behalf of the Connecting Professional, on behalf of our viewers, I'm really thankful to CA Avail ji and CA Vikas ji to give us the insight ki how in this pandemic or post-pandemic also, how one should maintain their investment so that it can be passed on to their family members in a proper way, and to explain us and to to guide us regarding the how we should maintain our investment portfolio, not only in terms of we have taken and just it is creating my wealth which is coming in my balance sheet as I am owner for net worth of 4000 crore, 5000 crore, 200 crores, but at the same time it is also very much important, even though you are owner for 10 lakh net worth or 10 crore net worth or 100 crore net worth, how it should get passed on to your family. Yeah, so it's a really a wonderful insight from both CA Abhay ji as well as CA Vikas ji to guide us and to explain us the insight. Thank you, really so thankful for to both of you for such a wonderful session to us. Thank you. Thank you, Rishabh ji, Sakshi ji and Tushar ji. Look forward and any moment of time, any of your members want any clarification, anything, we are always available for Connecting Professional and that team. Thank you, sir. Would you like to give some closing words or closing statement? Yeah, so first of all, thank you so much for having us in this wonderful platform of growing professionals. And
you know, I wish all you to be a safer professional journey, and do take care of your hard-earned money. Make a resolution that your somebody in the family, somebody beyond your family, is aware of your investment detail, because काफी nuclear family अब हो रही है, मम्मी पापा लोग अलग रहते हैं, so please ensure. And ये मत सोचे कि आप 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आपको कुछ नहीं होगा. God has not given you in writing in bond paper that nothing will happen to you. Life is completely contingent, and you have learned this hard way in this COVID period. So please, please, please try and ensure that you protect your wealth and ensure the complete protection in such that in case of any contingency, your wealth falls at the right place. And for any other issues, even if somebody is not able to retrieve, share samadhan is always there. And we say that chahiye sare samadhan to hai share samadhan. So we are always available for all the professionals and their clientels. Look forward to have a potential business association with all the members of Connecting Professionals. We will be happy to discuss, Rishabh ji, the modalities. How do you wish to communicate to all the professionals? Sure, sir. Yeah. Sir, along with the office bearers, we'll have a separate round of discussion. Sure. And we'll discuss with you also, sir, separately. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Thank you, Abhi sir. Thank you, Vikas sir. And thank you, the Connecting Professionals team, for this webinar. I think now we should wind it up. Rishabh sir, please do the need.